हेलो गाइस, बगिस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपको अखिलेश, आज आपको इस इंटरव्यू क्वेश्चन में बताना है कि जो इसका आउटपुट आ रहा है, फर्स्ट अनडिफाइन आ रहा है, सेकंड प्रॉपर नेम आ रहा है जो कि मैंने सेम फंक्शन यूज किया है। ओके, तो पहले आपको रीजन ये बताना है कि अनडिफाइन क्यों आ रहा है। अगर यहाँ वैल्यू चाहिए तो आपको कहाँ चेंजेस करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। ओके, नहीं पता है तो प्लीज़ इन तक वीडियो देखें जिससे आपको ए टी सी बी सी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देखो, सिंपली जो है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर है यहाँ पे, इसके अंदर एक नेम वेरिएबल है और गेट सीक्रेट आइडेंटिटी करके फंक्शन है। ओके, जिसके अंदर सिंपली इस नाम को रिटर्न किया गया है, इस वेरिएबल को रिटर्न किया गया है। ओके, तो यहाँ पे पहले आउटपुट क्यों आ रहा है, बिकॉज हीरो ये जो ऑब्जेक्ट है डॉट गेट सीक्रेट आइडेंटिटी, इसको यूज किया गया है। जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो उस टाइम रिटर्न दिस डॉट नेम किया, तो इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू इसने रिटर्न कर दिया, बिकॉज मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ तो इसको पूरा डेटा मिला, एमएनसी पूरा ब्लॉग इसके अंदर आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो नाम डिफाइन था, नेम इसके अंदर मिला। तो सिंपली ये जो फंक्शंस मैं यूज कर रहा हूँ, ए इसी का नेम, इसी का वेरिएबल है और डायरेक्ट यहाँ पे यूज हुआ, डेटा मिल गया। यहाँ पे अनडिफाइन क्यों आया, रीजन ध्यान देना, यहाँ पे हीरो डॉट गेट सीक्रेट आइडेंटिटी फंक्शन यूज किया गया है। इस लाइन का मीनिंग ये होता है कि इस फंक्शन को आपने एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लिया है, उसको एक अदर वेरिएबल में सेव किया है। ध्यान देना, इस फंक्शन को हीरो डॉट गेट सीक्रेट किया है, सीक्रेट आइडेंटिटी पास की है, इसका मीनिंग ये हुआ ये फंक्शन डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट होके इसके अंदर सेव हो गया है, और जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो उस टाइम ये वेरिएबल नहीं मिलेगा, बिकॉज ये फंक्शन एक्सट्रैक्ट हो गया है, ये बाहर हो गया, मतलब ये फंक्शन ऐसे हो चुका है, ऐसे हो चुका है, मतलब उस टाइम ये वेरिएबल इसको नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, समझ में आया। मैं सिंपली ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है बिकॉज ये नेम उस टाइम इसको नहीं मिल रहा है। अगर अगर अभी नाम यहाँ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे आप चेंज करोगे लाइक बग स्टॉप ही डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ बग स्टॉप ही आ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, पर आपको नाम वहाँ पर चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको इसके अंदर आना है, इसके अंदर आपको एक बाइंड फंक्शन लगाना है। बाइंड फंक्शन आपको पता होगा कि बाइंड फंक्शन की यूज करते हैं, बाइंड फंक्शन रन टाइम पे एक फंक्शन क्रिएट करेगा, जो वैल्यू पास करोगे उसको बाइंड वो वहाँ पर पास कर देगा। ओके, लाइक यहाँ पर मैंने हीरो पास किया इसके अंदर, इसके मतलब इसको यहाँ पे इसको इसके मतलब इन शॉर्ट ये जो फंक्शन क्रिएट हुआ ये इसके अंदर क्रिएट हुआ विथ दिस ऑब्जेक्ट, हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर अभी हीरो मिलेगा, हीरो मिलेगा मतलब एक कंटेंट मिलेगा। ओके, तो उसके अंदर नाम अभी एक्सेस होगा, तब सिंपल ध्यान देना, सिंपली खाली यहाँ पे एक बाइंड फंक्शंस ऐड करने से, ऑब्जेक्ट डालने से ये डेटा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर का मॉडिफाई कर रहेगा, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, ये डेटा आपको इसके अंदर चले जाएगा, मतलब इन शॉर्ट ये जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा ये इसको मिल जाएगा। ओके, उस टाइम जब आप कॉल करोगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वहाँ पे प्रॉपर वो नाम आएगा। ओके, फर्स्ट यहाँ पे अनडिफाइंड आने का ये नहीं था कि ये फंक्शन आपने एक्सट्रैक्ट किया था, और सेकंड आंसर आया इसका मतलब बाइंड यूज किया, बाइंड क्या किया, रन टाइम डेटा बाइंड किया। ओके, हीरो को उस टाइम उसको डेटा मिल गया यहाँ पे। ओके दोस्तों, आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो प्लीज कमेंट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।